हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 162 सिस्टम ऑप्शन नॉट सेट। यानी कि अगर आप भाइयों को आपके कंप्यूटर के ऊपर इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है, सो गाइस आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप भाई इस एरर को किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भाई जो अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का एरर जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका जो पीसी है वो नहीं चल रहा। आज के वीडियो में हम सिंपली यही बात करेंगे, अगर आप भाइयों को भी ये एरर देखने को मिल रहा है 162 सिस्टम ऑप्शन नॉट सेट, तो आप इस एरर को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सो गाइस, अगर आप भाई जानना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने मेरी वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ ही जो भाई चैनल पे नए हैं उसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ बने घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सो गाइस, बिना वक्त के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली सबसे पहले तो आपने अपने पीसी का जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस पीसी में आपको एक सेल देखने को मिलेगा, आपने इस सेल को जो है वो बाहर निकाल लेना है। इसके लॉक होगा, आपने लॉक को थोड़ा सा साइड के ऊपर करना है, आपका जो सेल है वो निकल आएगा। फ्रेंड, आपका जो ये सेल है ये खराब हो जाता है, जिससे आपको ये एरर देखने को मिलता है। आपने इस सेल को ध्यान से देख लें, आपने अपनी लोकल मार्केट में जाके ये जो सेल है ये आसानी से मिल जाता है। आपने ये सेल ले आना है 3 वोल्ट का, जाके आपने ये सेल दिखाना है कि मुझे इस तरह का ये सेल चाहिए, तो आपने इस सेल लाके इस सेल को जो है वो रिप्लेस कर देना है। मैं मार्केट गया, मैंने ये सेल लेके आया, तो इसको अब मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। रिप्लेस करने का तरीका बिल्कुल सिंपल ही है, आपने जो पहले वाला है वो निकाल लिया था, अब जो नया है वो आपने इस पीसी के अंदर लगा देना है। तो लगाने के लिए आपको पहले मैंने बताया इसका एक लॉक है, आपने दूसरी साइड पे रख देना है। लॉक के ऊपर जाके आपने बिल्कुल प्रेस करना है, आपको एक आवाज आएगी, ये जो आवाज अभी आई है, तो ये आवाज आएगी, आपको पता चल जाएगा आपका सेल जो है वो पीसी के अंदर लग चुका है। उसके बाद आपने अपने जो पीसी का डेस्कटॉप है इसे ऑन करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है। तो डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे तो आपको ये एरर फिर दोबारा देखने को मिलेगा, 162 सिस्टम ऑप्शन नॉट सेट, तो ये एरर देखने को मिलेगा। सो गाइस, आप भाइयों ने करना क्या है, आप भाइयों को नीचे ही F10 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली सबसे पहले तो आपने F1 सेव कर देना है। F1 सेव करेंगे तो सिंपली आपको जो F10 का सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपने F10 प्रेस करना है। आप F10 जिस तरह ही प्रेस करेंगे आपका सिस्टम एक दफा दोबारा ऑन होगा। उसके बाद आपको एक जो है वो लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, लैंग्वेज आपने सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे सेट डेट एंड टाइम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आपने थर्ड नंबर पे आके इसे इंटर कर देना है, यानी कि थर्ड नंबर पे सेट डेट एंड टाइम पे आके इंटर कर देना है और आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपने इसी डेट एंड टाइम को ठीक कर लेना है, लेकिन आपका ये डेट एंड टाइम है स्क्रॉल नहीं होगा आगे, लेकिन आपने उसके लिए जो कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन है, टैब का बटन उसका सहारा लेना है, टैब का बटन, टैब वाले बटन से आपने इनको आगे पीछे करना है। तो आपने अपनी जो डेट एंड टाइम है उसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करेंगे उसके बाद नीचे ही आपको F10 एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपने इसे F10 प्रेस कर देना है। ऊपर कीबोर्ड के ऊपर जाके आपको F10 का ऑप्शन बटन देखने को मिलेगा, आपने F10 का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो आपको ये आप टाइम जो है वो सेट हो जाएगा F10 जिस तरह एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है बिल्कुल लास्ट के ऊपर, आपको सेव चेंज एंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइस, आपने इसके ऊपर जाकर इंटर कर देना है, आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। आपने जो सेटिंग की थी डेट एंड टाइम की वो बिल्कुल हो जाएगी, आपका पीसी जो है वो दोबारा स्टार्टअप ले लेगा और आपका पीसी जो है वो चल जाएगा। आपने इसे F1 बूट कर देना है और आपका पीसी जो है वो चल जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इधर आपका पीसी स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर लेगा, तो आपने स्टार्ट विंडो नॉर्मली कर देना है, आपका पीसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी डेट एंड टाइम की, यानी कि 162 सिस्टम ऑपरेशन नॉट सेट की जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, ये सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, अगर भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना भी है कि मेरी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और उसके साथ ही जिन भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। और इसके साथ ही हमारी जो विंडो भी स्टार्ट हो रही है, उसके साथ ही अगर भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारी विंडो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो हमने डेट एंड टाइम लगाया था वो भी आप भाइयों को नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा डेट एंड टाइम है। उसके बाद हम अपने इसी सिस्टम को यदि कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, कि दोबारा रिस्टार्ट करते वक्त हमें फिर दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं मिल रही, तो मैं अभी इस कंप्यूटर को अपने को दोबारा रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ आप भाइयों के सामने। तो मैं दोबारा रिस्टार्ट पे वाले ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ, अपने पीसी को दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, तो हमारा पीसी रिस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। और उसके साथ ही सो गाइस, आप भाइयों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी से कर दीजिएगा, आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो गाइस, इधर आप भाई वेट करें तो हमारा जो पीसी है वो दोबारा स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, ये हमारा पीसी जो दोबारा स्टार्ट हो चुका है, आपने F1 करना है, F1 प्रेस करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी विंडो स्टार्ट होने वाली है, उसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उधर मुझसे जरूर
जरूर पूछ भी सकते हैं। सो गाइस, हमारी जो विंडो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप भाई देख रहे हैं कि हमारी विंडो बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आप भाइयों के साथ मैंने शेयर की, यानी कि आप भाइयों के साथ शेयर की कि आप इस एरर को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाई अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।